ओला कैब बुक किया है, बहुत आसान होता है बुक करना, बट हाँ जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हो दिल्ली से यूपी मेन कर रहे हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, खैर सभी के लिए होता है वो तो। और मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा था, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बातें करूं, कैसी बातें करूं, लेकिन मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बस बोल रहा हूं। और मुझे ये वीडियो बनानी भी चाहिए या नहीं मुझे ये भी नहीं पता, मेरा फ़िशिंग का ब्लॉग है, मैं फ़िशिंग ब्लॉग करता हूँ, बट एट द एंड मैं तो खुद भी एक एंगलर हूँ ना, अगर मेरी लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको शेयर करूँ आपसे कि एक एंगलर का दूसरा भी रूप होता है, एक एंगलर सिर्फ फिशरमैन नहीं हो सकता, एक एंगलर कोई दूसरे प्रोफेशन में भी हो सकता है, एक एंगलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है जैसे कि मैं हूँ। फाइनली ये ट्रिप दिल्ली के लिए निकल रहा था, मैं सुपौल से मैंने बस ली है और अभी सहरसा स्टेशन जा रहा हूँ मैं, अभी 4:30 बजे हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर लगेगा यहाँ से, 6:45 की ट्रेन है मेरी दिल्ली के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, मैं अभी भी नींद में हूँ और मेरा एक ऑफिस ट्रिप है जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ और भी कुछ दिन ऑफ रहेगा, लेकिन हाँ मैं वहाँ भी लोकेशन देखता हूँ, ढूंढूंगा अगर ऐसी कोई फिशिंग लोकेशन मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल आगे अभी लंबी जर्नी है, देखते हैं क्या होता है। 1.5 घंटे बाद मैं सहरसा पहुँच गया हूँ और अभी भी नींद में हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पहुँचने के बाद चाय वाय पिए, थोड़ा छोटा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे, सामने सहरसा जंक्शन है और फिर मैं यहीं से ट्रेन लूँगा दिल्ली के लिए, बाकी बातें मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। सहरसा जंक्शन पहुँच गए हम और मैं आगे अपनी ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ, आगे जो मिलेगा शूट करूँगा। और करने के लिए तो बहुत बातें हैं, वैसे मैं बहुत मिस करने वाला हूँ यहाँ की फ़िशिंग को भी और अपने इस गांव को भी। गाइस फाइनली ट्रेन में पहुंच गया मैं और सीट भी ले ली है। ये ट्रिप तो वैसे ऑफिशियल है मेरा, लेकिन फिर भी मुझे सीट नहीं मिली, मतलब पूरी सीट नहीं मिली, ये एक आरएसी सीट है। फिलहाल चार्ट प्रिपेयर होने के बाद जो स्टेटस है मेरी सीट का वो ये है कि आरएसी है, हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में मुझे ये पता चले कि मेरी सीट कंफर्म हो गई है और मैं आराम से बर्थ लेके जा सकता हूँ आगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास आधी सीट है, मैं इसी से ट्रैवल करने वाला हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए, अब मेरी आँख भी थोड़ी खुल गई है, नींद भी थोड़ी कम सी है, मैं रात में 1-2 बजे तक सोया था और जल्दी जग गया। बहुत कुछ तो नहीं होता हमेशा बोलने के लिए, इसलिए मैंने GoPro ऑन नहीं किया है, ये मोबाइल से ही शूट कर रहा था। मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि मैंने नया अपना ये चश्मा लिया था, इससे ही मैंने 1-2 वीडियो बनाया है, इससे पहले मैं दूसरा गूगल्स लगाता था जो सनग्लासेस थे मेरे, ये भी रेबन का ही है, इससे पहले वाला भी मेरा रेबन का ही था, पता नहीं ये कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये ब्लॉग मैं पूरा करूंगा, हो सकता है ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके आए, आप लोग पूरा एपिसोड देखना। ये 7-8 दिनों का ट्रिप रहेगा मेरा, मैं बहुत मिस करने वाला हूँ फिशिंग को, और मैं दिल्ली में भी अगर मुझे ऐसा कोई लोकेशन मिलता है तो मैं डेफिनेटली उसका वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी जगह ऐसी है दिल्ली में जहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं अगर मुझे टाइम मिला तो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, और मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता आपसे कि मैं आपको बताऊंगा ही लोकेशन, बट ये है कि मैं कोशिश करूंगा मुझे जब भी टाइम मिलेगा। मैंने अपना टैकल भी ले लिया है, फिशिंग टैकल, आई एम लोडेड विथ इट,
पूरा बैग पैक करके चल रहा हूँ मैं, मुझे जहां भी मौका मिलेगा आई विल गो फॉर द फिशिंग। फिशिंग के लिए तो इतना इंसेन हूँ मैं कि आपको बता नहीं सकता। अगर मुझे कल कोई नई लोकेशन पे फिशिंग के लिए जाना है तो मुझे रात में नींद ही नहीं आती। जैसे लोगों को कोई कुछ नया काम करना होता है और नई जगह पे जाना होता है, घूमना होता है, तो उनको एक्साइटमेंट में नींद नहीं आती, वैसे मुझे फिशिंग के लिए नींद नहीं आती। इवन मैं टाइम से पहले खड़ा होता हूँ फिशिंग के लिए, बाकी मेरे जो साथी हैं, जो मेरे एंग्लर्स हैं बाकी टीम के, वो पहुंच रहे होते हैं और मैं टाइम से पहले खड़ा होता हूँ। सो आई एम क्रेजी अबाउट फिशिंग, देखते हैं। और मैं आपको भी थोड़ी देर पहले जैसा बता रहा था कि मुझे YouTube ने ऐसा कुछ प्रिविलेज दिया नहीं है कि मैं पहले से पोल क्रिएट कर सकूं, आपसे पूछ सकूं कि मैं ये करूं या ये ना करूं, लेकिन आई होप कि विद इन मंथ मुझे ये सारे फैसिलिटीज मिलेंगे कि मैं आपसे वीडियो बनाने से पहले ही पूछ लूं कि क्या आप लोग इस पर वीडियो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। फिलहाल अभी के लिए रास्ता है कि आपको ये वीडियो जैसी भी लगेगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप नए हैं मेरी वीडियो पे तो मेरी फिशिंग की वीडियोस देखिए, मेरे रोड ट्रिप देखिए। और अब ये ट्रेन से भी मैं ट्रिप कर रहा हूँ, अब ये पहला ट्रेन ब्लॉगिंग है, इसको भी आप देखिए। 24-26 घंटे का सफर होने वाला है, बीच में कुछ ऐसा मिलता है तो मैं कवर करूंगा और आपसे शेयर करूंगा। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था सहरसा से सुपौल का, बस ने 1.25 घंटा लिया, पहुंचा दिया। थोड़ा देर रुकने के बाद फिर मैं आया, ट्रेन दिखाई आपको, ट्रेन में बैठा, सीट मिल गई, घर से ही थोड़ा ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ और आगे लंच वगैरह मैं ट्रेन में ही ऑर्डर करने वाला हूँ। देखूँगा कि क्या है ट्रेन में, क्या खाने को मिलता है और मैं क्या ऑर्डर कर सकता हूँ। ट्रेन चल चुकी है सहरसा से, अब एक्चुअली मैं पानी लेना भूल गया था, पानी नहीं है, जो कैंटीन होती है ट्रेन की, देखता हूँ आगे कोई मिलता है तो मैं लूँगा। रात के 1:30 बज रहे हैं पर अभी तक सीट का कुछ हुआ नहीं है, अभी भी मैं RAC में ही बैठा हुआ हूँ, पूरी पैर फैरा कर लेट भी नहीं सकता, बाकी सभी लोग मजे में सो रहे हैं। गाइस ये यमुना नदी है, ये यमुना है ना, पानी थोड़ा साफ हो गया बारिश ज्यादा होने की वजह से। गाइस फ्रेश हो गया था फाइनली किसी तरीके से, मॉर्निंग हो गया, ट्रेन 40-45 मिनट्स लेट है आई थिंक, नॉट श्योर क्योंकि अभी पहुंचने वाली है, अब देख रहे हैं। और मेरे साथ जो सीट पे थे RAC सीट पे, ये थे, इन्होंने काफ़ी परेशान तो नहीं किया सपोर्ट किया कि चलो आप आराम से सो जाओ। होते हैं कुछ लोग बोलते हैं नहीं अब अपनी सीट पे बैठो आपकी आधी सीट है, लेकिन इन्होंने काफ़ी
काफ़ी अच्छे लोग थे, सपोर्टिव थे, इन्होंने सपोर्ट किया और मुझे अलाउ किया सोने का। अब क्या है कि मैं अभी उतरूंगा स्टेशन पे, फिर आपसे कनेक्ट होऊंगा। अभी रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, अब मैं यहां से ओला बुक करूंगा और फिर जाऊंगा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बाकी बातें मैं आपसे ओला में बैठ के ही करता हूं, अभी के लिए बाय बाय। फाइनली गाइस, कैब ले लिया था मैंने, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को बाय बाय कर दिया। अब क्या है कि मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा आपको कि मेरा होटल कहाँ पर है। मैं अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हूँ और मुझे जाना है ग्रेटर नोएडा सेक्टर 132। ओला कैब बुक किया है, बहुत आसान होता है बुक करना, बट हाँ जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हो, दिल्ली से यूपी मेन कर रहे हो, तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। खैर सभी के लिए होता है वो तो। और मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा था, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बातें करूं, कैसी बातें करूं, लेकिन मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बस बोल रहा हूं। और मुझे ये वीडियो बनानी भी चाहिए या नहीं मुझे ये भी नहीं पता, मेरा फ़िशिंग का ब्लॉग है, मैं फ़िशिंग ब्लॉग करता हूँ, बट एट द एंड मैं तो खुद भी एक एंगलर हूँ ना। अगर मेरी लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको शेयर करूँ आपसे, कि एक एंगलर का दूसरा भी रूप होता है। एक एंगलर सिर्फ फिशरमैन नहीं हो सकता, एक एंगलर कोई दूसरे प्रोफेशन में भी हो सकता है, एक एंगलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है जैसे कि मैं हूँ, है ना, एक एंगलर कुछ और भी हो सकता है। तो यही सोच के मैंने सोचा चलो ये व्लॉग बनाता हूँ सुपौल टू दिल्ली का। और अभी क्या है कि मैं होटल पहुँचूँगा, फिर वहाँ फ्रेश होऊँगा, फ्रेश होने के बाद मेरी मीटिंग है, फिर वहीं पे एक ETT4 है जहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहीं मीटिंग है, तो मैं उस मीटिंग के लिए जाऊँगा। रात में मैंने ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं, काफ़ी परेशानी का आलम था वहाँ पर। मेरी सीट कंफर्म नहीं हुई थी, प्रॉपर RAC थी और मुझे हाफ़ सीट मिली हुई थी, उसी हाफ़ सीट में मैंने पूरी रात गुजारी है और पूरा सफ़र काटा है उसी हालत में। खाने का भी ऑर्डर किया था, वो कह रहे थे कि चिकन है खाने में, वेज है खाने में, एग है खाने में, प्राइस सबका ऑलमोस्ट सेम था। 130 का वेज थाली था और 140 का एक कड़ी, 150 का चिकन कड़ी, लेकिन मैंने एक कड़ी प्रेफर किया और वही मंगा के खाया क्योंकि मुझे पता नहीं था वो चिकन कैसा होगा, लाल होगा नहीं होगा या क्या होगा नहीं होगा, मुझे अंदर से अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं वो चिकन खाऊं, तो मैंने उसको नहीं खाया। एक कड़ी खाया, ठीक था, दाल अच्छी नहीं थी, मतलब मिला जुला के खाना तो अच्छा नहीं होता, वो रेलवे की कैंटीन का ही था, जो पेंट्री कार होती है वहीं से खाना आया था, तो उसको थोड़ा खाया, बाकी मैंने फिर डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद फिर किसी तरीके से रात गुजार ली मैंने। एक सामने अंकल थे, वो अच्छे ही थे, उन्होंने काफ़ी परेशान तो नहीं किया, बट हाँ उन्होंने अलाउ भी किया कि चलो थोड़ा पैर सीधा कर लो आप मेरी तरफ, तो थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ मुझे, वरना काफ़ी परेशानी में गुजरने वाला था ये सफ़र। फिर मैं आगे दिखाऊँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है इधर बारिश हुई है। मैं ड्राइवर भैया से पूछता हूँ, क्या भैया इधर बारिश हुई है क्या? कहो अभी आने वाले, मतलब जो एक हफ्ता बीत गया उसमें बारिश हुई है अच्छी खासी? एक दिन हुई है बस। एक दिन हुई है, बट यहाँ पानी तो भरा हुआ दिख रहा है बड़ा बड़ा। तो हाँ पानी आ रहा है, ये तो यमुना के पानी पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है। वो तो भाई वो बारिश यहाँ नहीं हुई है, मतलब और पास हुई है। अच्छा, अगर दिल्ली में हुई तो गुड़गांव में नहीं हुई, गुड़गांव में हुई तो नोएडा में नहीं हुई, मतलब ऐसी हुई है। तो ये पानी जो यमुना का मिट्टी मिट्टी जैसा हो रहा है, ये बाहर में बारिश होने की वजह से हो रहा है, वरना यमुना का तो पानी नाले जैसा पूरा गंदा होता था। हाँ, ये मिट्टी मिट्टी जैसा भी हुआ तो साफ ही कहेंगे हम इसको, और क्या, ये अब भी साफ ही है और इससे ज्यादा साफ क्या होगा। भैया भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा था कि यमुना की अगर पानी मिट्टी मिट्टी जैसे कि हमारी कोसी में या इधर उधर मिट्टी मिट्टी पानी होती तो हम बोलते हैं पानी गंदा है, लेकिन अगर वही पानी दिल्ली में अगर गंदा गंदा है यमुना में तो उसको साफ समझते हैं हम, क्योंकि वैसे तो यमुना के पानी में गंदगी से झाग बन रहे होते हैं, आपने देखा होगा पहले भी न्यूज़ में, और अभी भी कुछ जगहों पर दिखेगा बट अभी कम है,
शिफ्ट कम इसलिए कि बारिश की वजह से वो सब मिक्स हो के आगे की तरफ निकल गया। तो यहाँ का वेदर तो ठीक ठाक ही है, अभी गर्मी तो हर जगह ही हो रही है, गर्मी यहाँ भी ज़्यादा है और उधर भी ज़्यादा ही था, हमने देखा अभी बारिश वैसी कहीं हो नहीं रही है। खैर तो मैं जाऊँगा अगर मुझे टाइम मिलता है गाइस, तो मैं फ़िशिंग के लिए भी जाऊँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा। मैं आप लोगों को अपना होटल भी दिखाऊँगा और आप लोगों को अपना ऑफिस भी दिखाऊँगा। तो ये ब्लॉग जब भी जाएगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे ऐसी ब्लॉग करनी चाहिए भी या नहीं, या फिर ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है हमारा, ये फ़िशिंग ब्लॉग से रिलेटेड ही नहीं है, तो आप ये क्या बना रहे हो। तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके मुझे अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हर एस्पेक्ट्स में वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। अभी इससे पहले मेरी एक वीडियो आई है कि मेरे साथ एक एंगलर गए थे फ़िशिंग के लिए, वो अपनी बांसुरी लेके गए थे। बांसुरी तो मैं भी बजाता हूँ लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं है, ना के बराबर बजाता हूँ, बट मेरी फ़िशिंग किट में रहता है वो, तो वो बांसुरी बजाते थे बट वो बांसुरी लेके गए नहीं थे। तो मैंने उनको अपनी बांसुरी दी और उन्होंने एक धुन बजाया था कोई, आप वो वीडियो भी देखना प्लीज़, और कमेंट करना कि आप धुन समझ पाए या कौन सी धुन थी। वैसे वीडियो मैंने बताया है, अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी तो आपको समझ में आएगा कि वो कौन से धुन थे। बाकी गाइस कंटिन्यू करते हैं आगे, ये ब्लॉग वापस मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ तक पहुँचने तक ये ब्लॉगिंग होगी, हो सकता है 1, 2, 3 पार्ट्स में लेके आऊँ मैं इस ब्लॉग को। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई सुपॉल टू दिल्ली सीरीज और सपोर्ट कीजिए गाइस अगर आपको अच्छा लगता है। अगर कुछ पसंद नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, अपने थॉट शेयर कीजिए, जो ताकि मैं अपनी कंटेंट्स अपने तरीके को इम्प्रूव कर सकूं। एक्चुअली मेरा पर्पस यही है कि फ़िशिंग के साथ ऐसे क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जुड़े हुए, उन पर वीडियोस लेके आना है। कि एक एंगलर जो है वो कोई प्रोफेशनल हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, एक एंगलर कोई बांसुरी वाला हो सकता है, एक एंगलर कोई चश्मे वाला हो सकता है, एक एंगलर कोई किसी दूसरे प्रोफेशन में हो सकता है, या फिर फिश से जुड़ी हुई क्या मछली पालन भी हो सकती है, या फिर मत्स्य जीव को कैसे बचाया जा सकता है, क्या जल जीव खतरे में भी है, या फिर फ़िशिंग की कटिंग स्किल्स क्या हो सकती है, कौन सी फ़िश खाने में कितनी अच्छी लगती है, ये सारे एस्पेक्ट्स पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ गाइस। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू सपोर्ट। थैंक्स, बाय बाय।